अगवानी बोटी का मसाला, अगवानी बोटी, इसमें एक चिरबी और दो तीन बोटी। तो अभी मैं इस टाइम हैबर शिनवारी आ चुका हूँ, जो सुपर हाईवे पे मौजूद है, और यहाँ का हम डिनर करेंगे। अभी बैरिया टाउन से आया हूँ, अगर आपने बैरिया टाउन की मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें। ये इनकी एम्बियंस है, और मतलब फैमिली और जेंट्स वगैरह की अलग अलग सेपरेशन दी हुई है, और यहाँ पे बच्चों के झूले भी हैं। अब ये जंपिंग वगैरह हैं तो बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद। अच्छा, इनकी कढ़ाई वगैरह है ना बहुत मशहूर है, तो मटन कढ़ाई ख़ास तौर पे इनकी बहुत मशहूर है, तो वो हमने ऑर्डर की है, तो वो हम चेक करेंगे। और चिकन कढ़ाई वगैरह भी ऑर्डर की है, और इनकी अगवानी बोटी भी मशहूर है। तो आज हम फिर इनका टेस्ट करें, इनका रिव्यू करें, और फिर इसके बाद आपको बताते हैं किस तरह का टेस्ट है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करें, आ जाओ मेरे साथ। इसके अंदर रिब्स मौजूद हैं, मटन रिब्स। अच्छा, इनका किचन का एरिया बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है। अब खाने का टेस्ट भी इनका देख लेंगे किस तरह का है। हाँ भाई, कौन सी कढ़ाई बना रहे हो? ये कौन सी कढ़ाई? पेशावरी, शनवारी। ये चाइनीज़ सेक्शन है, यहाँ पे सब चीज़ें चाइनीज़ वाली बन रही है, वहाँ पे कढ़ाई देसी, सामने फास्ट फूड। अगवानी बोटी का मसाला, अगवानी बोटी, इसमें एक चिरबी और दो तीन बोटी। ये सारी कबाब्स वगैरह हैं। अब हमारी ये मटन कढ़ाई आ चुकी है, अगवानी बोटी आ चुकी है, और वाइट चिकन कढ़ाई आ चुकी है। अब इसका हम टेस्ट करेंगे किस तरह का टेस्ट है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह तो खा लिया हमने। बस ये था कि आपको ये बताना था कि इनकी जो अगवानी बोटी थी ना, वो बहुत ही हार्ड थी, और कढ़ाई में भी कोई इतनी मज़ेदारी नहीं थी, मसाला एकदम कच्चा था। हमने एक या दो बार हमने वापसी इनको दी भी, इनको दोबारा री करने का, और स्टाफ की मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं थी यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ का जो रिव्यू दूंगा वो 10 में से 3 का दूंगा, तो मैं आपको यहाँ का रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आके डिनर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपके मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट भी लाजमी दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, जज़ाकअल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।